अयोध्या की खुशी में वाड़ी गजानन सोसाइटी में गजानन महाराज मंदिर के सोसाइटी के राम भक्तों ने दीपोत्सव मनाया। प्रभु श्री राम के नारे से गूंज उठी मंदिर परिसर। अयोध्या में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से भूमि पूजन किया गया। इसकी खुशी में दत्तवाड़ी के गजानन मंदिर के प्रांगण में राम मंदिर में अयोध्या की खुशी में दीपोत्सव मनाया गया। इस मौके पर प्रभु श्री रामचंद्र और गजानन महाराज प्रतिमा को माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गयी। 500 साल बाद अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। इस खुशी में गजानन सोसाइटी परिसर के सभी राम भक्त शाम 6:30 बजे के करीब मंदिर परिसर में इकट्ठा होकर 501 शुद्ध घी के दिए जलाए। इस वक्त 1990 में पहली बार नागपुर वाड़ी से अयोध्या कार सेवा में जाने वाले केशव बांद्रे प्रकाश कोकाटे का मंदिर व्यवस्थापक द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। एडवोकेट श्री राम भाटवे ने कहा कि 500 साल के बाद पूरे देश विदेश के राम भक्तों का मनोकामना पूरी हुई है। राम मंदिर के आंदोलन में शहीद हुए राम भक्तों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ढोल ताशे व फटाके की आतिशबाजी की गई। इस समय सभी समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। श्री राम के नारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। गजानन महाराज का मंदिर रोशनी से जगमगाया। वाड़ी में दिन भर त्योहार जैसा माहौल बना रहा। इस मौके पर सुनंदा बट्टालवार, एनपी पावर, वीजी मुदलियार, राजेंद्र तिवारी, पूर्व नगर सेविका सखदेवे, मान सिंह, राजू बोले, डॉक्टर अजय तायवाड़े प्रमुखता से उपस्थित थे। NBCN न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट। जय श्री राम। आज का यह ऐतिहासिक दिन, आज के दिन कई सदियों से इस देश को, हिंदुत्व को और हिंदुत्ववादी लोगों को एक जो आशा थी कि जन्मस्थली पर प्रभु रामचंद्र का भव्य मंदिर बने, माननीय मोदी जी ने आज इसका शिलान्यास कर दिया और आज से ही प्रभु रामचंद्र का भव्य मंदिर का निर्माण अवध नगरी में शुरू होने जा रहा है। इस आंदोलन में, अयोध्या के राम मंदिर के आंदोलन में जिन जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिन जिन लोगों ने इसमें सहभाग लिया, ऐसे सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अमृत आत्मा को कोटि कोटि नमन करता हूँ कि उन्होंने प्रभु रामचंद्र मंदिर के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। मैं भी इसी में का एक हिस्सा हूँ। पहली बार जब कार सेवा हुई थी, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उस समय वाड़ी में से मैं और हमारे साथी प्रकाश कोकाटे, ऐसे दो ही लोग हम लोग वाड़ी से कार सेवा करने के लिए गए थे। ये पहली बार थी, हमारे जेब में पैसे नहीं थे। सतीश जी जिंदल, उस समय योगानंद जी काड़े, हमारे यहाँ के स्थानीय नेता पुरुषोत्तम जी रागीट और विविध सभी लोगों ने हमको कहा कि हम सबको वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो आखिरी में, एक दिन पहले बताने के बाद में प्रकाश कोकाटे और मैं तैयार हुआ और हम लोग अयोध्या तक गए थे। जिस समय हम लोग वहाँ पहली बार कार सेवा में गए थे, तो कई सैकड़ों लोगों का वहाँ पे बलिदान हुआ, कई सैकड़ों लोग मारे गए, कई जख्मी हो गए और कई तो पता भी नहीं चला कि वो कहाँ पर है। तो ऐसे अथाक प्रयासों से इस राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी लोगों का सहयोग रहा और आज माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने, हमारे परम पूज्य डॉक्टर मोहन जी ने इस में सहभाग लेकर के इसका शिलान्यास किया। इसलिए इस उपलक्ष्य में मैं सारे देशवासियों को और जिन जिन लोगों ने इनको मदद किया, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सभी को इस बारे में शुभकामना। आज संपूर्ण देश का पूरा ध्यान अयोध्या में, जो हमारी श्रद्धा स्थान है हमारे लिए, वहाँ पर जो राम जन्मभूमि का आज भूमि पूजन हुआ और पूरे देश में एक आनंद का लहर पूरे देश में फैल गई। अपने दत्तवाड़ी स्थित गजानन महाराज मंदिर के अंदर में भी श्री राम भगवान की पूरी पंचायतन का एक मंदिर है। इस मंदिर में आज इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक सामूहिक आरती का आयोजन किया था और इस आयोजन में यहाँ की स्थानीय महिलाओं ने और सारे पुरुष यहाँ पर जितने रहने वाले हैं, सभी लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया और बहुत अच्छी तरह से यह संपन्न हुआ कार्यक्रम।